कितना चैलेंजिंग देखते हैं हाजीपुर को? देखिए, चुनाव कोई भी हो, कंपटीशन कहीं पे भी हो, मैंने कभी भी किसी भी कंपटीशन को हल्के में नहीं लिया। पर हाँ, ऐसे में जब हाजीपुर की बात आती है, मैंने हाजीपुर को कभी एक चुनावी क्षेत्र के तौर पर देखा ही नहीं। 4-5 साल का बच्चा जो पिता का हाथ पकड़कर उस क्षेत्र में जाता रहा, मेरा हाजीपुर से परिचय अलग है और हाजीपुर के लोग भी मुझे कभी नेता के तौर पर नहीं, अपना बेटा अपना भाई ही मानकर उन्होंने हमेशा मुझे प्यार सम्मान आशीर्वाद देने का उन्होंने काम किया। ऐसे में मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी कि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मेरे पिता ने किया, जो उनकी कर्मभूमि रही, वहाँ पर मुझे अगर सेवा करने का मौका मिलता है तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। देखिए, ये फैसला मैंने बार बार कहा है, उन्हीं को लेना है। अलग होने का फैसला उनका था, साथ आना है नहीं आना ये फैसला भी उन्हीं का ही होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।